मुसीबत आती है तभी उस चीज़ से कोई शिक्षा भी मिलती है और प्रेरणा भी मिलती है। मेरी दादी एक्सपायर हुई और उस समय यहाँ से 7 किलोमीटर मुक्ति धाम तक ले जाना उनको इतना मुश्किल काम था। तब हमारे क्लब के अध्यक्ष जो सुदीप चौरसिया जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रक भेजा था। उस समय ये प्रेरणा मिल गई हमें कि यदि इस तरीके की कोई गाड़ी यदि हम बनाएँ और स्वर्गरथ के रूप में, और उससे यदि घर से और मुक्ति धाम तक यदि किसी की शव यात्रा निकाली जाए तो परिवार के लिए भी अच्छा होगा और एक जो इतनी दूरी तक के कंधे में ले जाने की जो है समस्या, उससे भी निजात मिल पाएगी। विश्वव्यापी महामारी कोरोना का दूसरा चरण बहुत ही भयावह है। नगर में प्रतिदिन 10 से 20 लोगों की मृत्यु हो रही है। इस कठिन समय में जब कोरोना से मरने वाले को नज़दीकी रिश्तेदार भी छूने से इनकार कर देते हैं, तब रोटरी द्वारा संचालित स्वर्गरथ ऐसे दुखी परिवार को राहत प्रदान कर रहा है। रोटरी क्लब द्वारा सन 2013 में संचालित रोटरी स्वर्गरथ का उद्देश्य दिवंगत व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए घर से मुक्ति धाम तक ले जाना था। गर्मी, बारिश, ठंड के समय 4-5 किलोमीटर तक कंधे पर शव यात्रा ले जाना बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। इसी से प्रेरित होकर रोटरी द्वारा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। स्वर्गरथ की परिकल्पना हम लोगों ने 2010-11 में की थी और जो पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ श्री मुकेश जी के कार्यकाल में 2013 में, और 2013 से जब से स्वर्गरथ हमने सेवा के लिए दिया है तब से लगातार आज तक सेवारत है बढ़िया तरीके से और निःशुल्क सेवा दी जा रही है हम लोग के द्वारा। और जिसका भी फ़ोन आता है, जो पीड़ित परिवार है उनके किसी का फ़ोन आता है तो हम लोग तुरंत गाड़ी वहाँ पहुँचा देते हैं। आज जब कोविड से इतने लोगों की मृत्यु हो रही है, तब उनके परिजन भी संक्रमण के डर से अंतिम यात्रा और शव को छूने से डर रहे हैं। ऐसे कठिन समय में रोटरी स्वर्गरथ कोरोना से मरने वाले व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए तत्पर है। रोटरी क्लब सचिव संजय तिवारी ने बताया कि रोटरी स्वर्गरथ के माध्यम से पिछले 15 दिनों में लगभग 50 से ज़्यादा शव मुक्ति धाम तक पहुँचाए गए हैं। प्रतिदिन 5-10 तक शव को ले जाने के इस कठिन कार्य को रोटरी स्वर्गरथ के वाहन चालक उमेश पाली द्वारा अंजाम दिया जाता है। वे दिन भर बिना किसी परेशानी के इस सेवा के कार्य में लगे रहते हैं। श्री तिवारी ने बताया कि वे दिन भर जरूरतमंदों के संपर्क में रहते हैं, साथ ही रोटेरियन साथियों के सहयोग से स्वर्गरथ वाहन के रखरखाव और सुचारू संचालन का प्रबंध संभालते हैं। जैसे ही रोटरी क्लब का गठन हुआ तो पिछले 7 साल पहले हमने अपने और स्वर्गरथ किया जो है वो कलेक्शन हमने पूरे रोटेरियन से मिल गया और उसका कलेक्शन किया। लगभग 11 लाख रुपए की लागत से उस समय हमने मुकेश जैन हमारे अध्यक्ष थे उस समय उनके कार्यकाल में ये स्वर्गरथ बनाया और लगातार इस स्वर्गरथ का संचालन जो है उसकी जिम्मेदारी मुझे क्लब की तरफ से दी गई थी, जिससे मैं बखूबी निभाने की कोशिश करता रहता हूँ। रोटेरियन लक्ष्मी नारायण पटेल, पूर्व अध्यक्ष रोटरी क्लब, का कहना है कि इस भीषण महामारी के समय बीमारी से मरने वालों से संक्रमण के डर से जब अपने ही पास आने से डरते हैं, तब स्वर्ग रथ का ड्राइवर उमेश पाली अपनी जान हथेली में रखकर दिन भर शव को मुक्ति धाम तक पहुंचा रहा है। उन्हें पूरे क्लब की ओर से आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने पूरे दिन इस पुनीत कार्य को अंजाम दे रहे संजय तिवारी जी की भी सराहना की। अनुभव ये संजय भैया, जब भी फ़ोन करते हैं मैं जाता हूँ गाड़ी लेकर, कोई कोई तरह के मेरे पास कॉल आते हैं, कोई कोई भैया के पास आते भैया मेरे को बताते हैं भैया जैसा कोई चलवाते हैं। मेरे को 4 साल हो गए चलाते सर, कम से कम 7 गाड़ी पड़े जल्दी निकल जाते हैं। सुदीप चौरसिया, अध्यक्ष रोटरी क्लब मंडला मेकल, ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि सुबह उठते साथ उन्हें अच्छी खबर सुनने मिले, पर वर्तमान में क्लब के सचिव संजय तिवारी की पास सुबह से ही दुखद निधन के फ़ोन आना आरंभ हो जाते हैं। हर कोई बेबस और लाचार होता है, कोई कंधा देने वाला नहीं होता है। ऐसे कठिन समय में रोटरी स्वर्गरथ ही एकमात्र सहारा होता है। खबर प्राप्त होते ही संजय भाई सुबह से ही इस पुनीत कार्य को अंजाम देने लग जाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिन से वे पूरा दिन सुबह से शाम 5 बजे तक केवल यही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारा पूरा क्लब उनकी सराहना करता है। अभी इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी पड़ रही है, क्योंकि यदि किसी के घर में डेथ हो जाती है तो उसके खुद के परिजन और घर के लोग भी उस डेड बॉडी को उठाने में या ले जाने में हिचकते हैं और कोई भी साथ नहीं देता है। ऐसे समय स्वर्गरथ ही जो है वो सभी लोगों का सहारा बना हुआ है। लगभग हम प्रतिदिन, मेरा जो अंदाज है, मेरे पास कम से कम 10 फ़ोन आते हैं सुबह से लेकर 4 बजे से फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। जब मैं 6 बजे सो के उठता हूँ तो 2-3 मिस्ड कॉल मेरे पास अननोन नंबर की रहती हैं और जब मैं उन्हें फ़ोन लगाता हूँ
तो वो यही बताते हैं कि आज हमारे यहाँ से ऐसी कैजुअल्टी हो गई और आप गाड़ी भिजवा दीजिए, कोई भी तैयार नहीं है, हम लोग चार लोग हैं, कोई रिश्तेदार नहीं आ रहे हैं। ऐसे कठिन समय में आज रोटरी क्लब का जो शव वाहन जो है वो सभी लोगों के लिए एक सहारा बना हुआ है। और मैं प्रयास करता रहता हूँ कि दिन भर में अपना ये जो ड्राइवर है मेरा मोज पाली, जो इतनी हिम्मत करता है कि उसे ये नहीं मालूम है कि ये जो शव ले जा रहा है वो कोरोना पीड़ित व्यक्ति का है या फिर और वो बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में बिजी रहता है। मेरे रोटरी के सदस्य भी सभी मेरा इसमें सहयोग प्रदान करते रहते हैं और भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं आगे भी ये कार्य जो है बखूबी निभा सकूँ।